यूपी के बलरामपुर में निफा यानी नेशनल इंटीग्रेटेड फोरम ऑफ आर्टिस्ट एंड एक्टिविस्ट का मनाया गया स्थापना दिवस। प्राथमिक विद्यालय बहरे कुइया में लेखन सामग्री और स्वल्पाहार का किया गया वितरण। यूपी के सहारनपुर के गंगोह में नकुड एसडीएम संगीता राघव ने मीट की दुकानों पर छापेमारी किए, दिए सख्त निर्देश। यूपी के गाजीपुर में थाना जमानिया पुलिस द्वारा अवैध 329 केन किंगफिशर के साथ 3 तस्करों को किया गया गिरफ्तार। यूपी के गाजीपुर में राज्यसभा सांसद डॉक्टर संगीता बलवंत ने केंद्रीय विद्यालय के लिए अस्थायी भवन निर्माण हेतु भूमि आवंटित करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लिखा पत्र। रास्ते के विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे, कई घायल ग्रामीणों का आरोप, सूचना पर भी नहीं पहुंची पुलिस। यूपी के बहराइच में पुलिस लाइन स्थित सभागार कक्ष में एसजेपीयू और एएसटीयू की मासिक गोष्ठी की समीक्षा बैठक और प्रशिक्षण कार्यशाला हुई संपन्न। यूपी के जौनपुर में नेवड़िया थाना क्षेत्र के दबंग ने दुकान संचालक युवक को जमकर पीटा, पीड़ित ने पुलिस पर लगाया लापरवाही का आरोप। यूपी के अमेठी में जिलाधिकारी निशा अनंत और पुलिस अधीक्षक अनूप कुमार सिंह ने संयुक्त रूप से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जामो का आकस्मिक निरीक्षण किया, जरूरी निर्देश दिए। यूपी के लखीमपुर खीरी में छोटी काशी काव्य कुंभ का हुआ भव्य आगाज, 150 घंटे तक अनवरत काव्य पाठ कर बनाया जाएगा अनोखा रिकॉर्ड। और यूपी के पीलीभीत में बाइक की टक्कर से पीआरडी जवान की मौत, परिजनों में मचा कोहराम। गांव भैरकोला निवासी पीआरडी जवान ओम प्रकाश पूरनपुर कोतवाली में तैनात था। बुलेटिन में इतना ही, देश दुनिया के बाकी खबरों के लिए देखते रहिए लाइव यूपी न्यूज 24। नमस्कार।